अशोक कुमार किसका नाम है? अशोक कुमार जो नाम है ना तो शरीर का नाम है और ना इसको चला रहा उसका नाम है। ये सूत्रों का ये रिकॉर्डिंग आपको अभी आ जाएगी, ये रिकॉर्डिंग अभी आ जाएगी, ठीक है? इसकी रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब में मिला करेगी जो अंदर। मानव की शिक्षा से अपेक्षा क्या है बेटा? शिक्षा इंसान में क्या बदलाव करे? तो पहले तो स्वयं के प्रति विश्वास लाने में कि यार मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है। हमेशा 90% लोग तो सिर्फ ऑर्डर के वेट कर रहे होते हैं, उसको यकीन हो गया यार मैं कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ और मैं करा सकता हूँ, क्लियर हो गया बेटा। फिर श्रेष्ठता के प्रति सम्मान, जो मेरे से श्रेष्ठ उसके प्रति सम्मान तो होना ही चाहिए ना, कि भाई मुझसे श्रेष्ठ है मुझे ऐसा बनना है यार। स्वयं की प्रतिभा, प्रतिभा क्या है? ये समझ है, इसके प्रति विश्वास हो कि जो मैं समझ रहा हूँ ये पूरे सार्वभौम ऑर्डर में ठीक बात है। व्यक्तित्व ऐसा ही आपके अंदर व्यवहार में भी हो। प्रतिभा हम टीचर के लिए हैं और व्यवहार में हमारे कुछ और हो तो बच्चा कहेगा यार कन्फ्यूजन में आता हूँ, ये है कौन, ये व्यक्तित्व में है कौन। इन दोनों में संतुलन हो, ठीक है ना। मैं मजाक करता हूँ मगर मैं बच्चे का क्या थोड़ी करूँगा मजाक में, मैं अपने टीचर से करूँगा, मैनेजमेंट से करूँगा, क्योंकि हर जगह मेरा एक अलग रोल है। जो मेरा परिवार में रोल है मैं पिता के, घर पर मैं क्लास थोड़ी देना शुरू कर दूँगा, घर पर मैं क्लास लेना शुरू कर दूँगा, मैं तो टीचर हूँ, मैं तो बात ही नहीं करता, सिर्फ लेक्चर सुनो मेरी, ऐसा नहीं होता। घर पर आप पिता हो, एक पत्नी के पति हो, तो पत्नी उस पत्नी को क्लास लेने नहीं आए, बात समझे ना। तो प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन हमेशा बना के रखें। व्यवसाय में स्वावलंबन, कि आपके हाथ में रहे वो, ऐसा ना हो कि कोई भी आके आपको घुमा दे कि मार्केट में ट्रेंड आया, मार्केट में ट्रेंड आया अब नया चेंज बंदा कहीं नहीं रहा। ये स्वावलंबन आपके हाथ में होना चाहिए और व्यवहार में सामाजिकता होनी चाहिए। अगर अकेला आदमी, अकेले आदमी दुनिया में कोई भी कार्य नहीं होते, पूरे कार्य ग्रुप के मतलब समझे जाते हैं। तो सामाजिकता होनी चाहिए, वो समाज के अंदर काम करना चाहिए आपका काम, ये साफ। शिक्षा का कार्य अज्ञात को तो ज्ञात कर दे और अपराध को प्राप्त करा दे और अपूर्ण को पूर्ण करवा दे। इस अज्ञात को ज्ञात करके जो अप्राप्त है ना उसको प्राप्त करवा दे, मुझे अपूर्ण को पूर्ण करवा दे, मेरे को ये है नरसिंह नारायण मंदिर कैसा रहेगा, ठीक है। अस्तित्व में यही बेटा 30 मूल्य है, 9, 9, 18, 6, 24, 4, 28 और 2, 30, ये 30 ही मूल्य है बेटा। ये समाज के साथ है, ये जीवन के साथ है, ये 18 है। मैं प्रेम की परिभाषा बोलता हूँ ना, प्रेम की परिभाषा, प्रेम क्या है? सबसे पहले विश्वास, विश्वास से क्या होगा सम्मान, सम्मान से क्या होगा स्नेह, स्नेह से क्या होगा ममता, ममता वात्सल्य, देखो है ना, विश्वास से सम्मान, सम्मान से स्नेह, स्नेह से ममता वात्सल्य, कृतज्ञता गौरव श्रद्धा, आठवां निकलेगा, नौवां निकलेगा प्रेम कहलाएगा, ठीक है ना। ये कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेंगे। विश्वास कैसे दिखेगा? सौजन्य के रूप में दिखेगा, कि मैं हर बार नाम लूंगा राजा जी को बुला लूँ काम, ये मेरा विश्वास होता है। ऐसा नहीं है आप मेरा विश्वास करो, बोले क्या करना होगा, बोले कुछ नहीं विश्वास करते रहो। दवाई खाने से मेरे को आराम मिलता है तो मेरा विश्वास होता तभी मैं दवाई खाता हूँ, दूसरी दवाई नहीं खाऊंगा ना, ये इसको रिकॉर्ड मीटिंग में, ठीक है। संसार में चार चीज़ों में पूरा संसार पाया जाएगा, पदार्थ में, प्राण में, पशुओं में और इंसान में, इसके अलावा कोई चीज़ संसार में नहीं है, चार अवस्थाओं में मिलेगा। हर एक का अपना रूप स्वभाव है, हर एक का अपना रूप है, हर एक का अपना गुण है, हर एक का अपना स्वभाव है, हर एक का धर्म है, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे कुछ हो, स्वभाव और धर्म एक जैसा हो जाता है, रूप अलग अलग हो सकता है, गुण परिस्थिति में भी कई बार हो जाता है, ठीक है। ये लार्जर ऑर्डर की चीज़ें हैं, मगर जब इंसान ने करा, इस आदमी ने, इसने लाल का मतलब है, सफ़ेद का मतलब दोनों को फायदा, तो पेड़ पौधों से आदमी को फायदा हुआ, जानवरों से हुआ, समान से हुआ, इसने किसी को फायदा नहीं दिया। ये बेटा ये रेड हुआ, ये ना रेड में है, क्योंकि इसने इसको एक फायदा नहीं किया, इससे फायदा लिया, इससे फायदा लिया, इससे फायदा लिया, दिया किसी को फायदा नहीं, ये हर जगह रेड कर दिया, हर एक जगह इसने पोजीशन खड़ी कर दी कीड़ी। जब खुद में काम किया तो खुद तो तंग था ही था, यहाँ गायब है। परिवार, ये परिवार है, ये बढ़ गया, परिवार में किया तो प्रॉब्लम पैदा कर दी, फैमिली वार्मिंग कर दी, समाज में गया पूरा समाज का भट्टा बैठा दिया और व्यवस्था तो इसकी सारी गड़बड़ी थी, सोशल
सारा कन्फ्यूजन होने के कारण आपको कहीं भी चलने नहीं दिया अपने आपको, ये इसको दिखाएगा ठीक है, वो पेस्ट कर देना है परिवार होगा और इसको लाल कर देना ठीक है। मानना नहीं है, जांचना कुछ भी, बच्चों को बोलो कोई कानून पढ़ने की जरूरत नहीं है, तीन ही चीज़ें लिखनी है, पहले निरीक्षण स्वयं में करना है, परीक्षण दूसरों में करना है, क्या जो मेरे को ठीक लग रहा है आपको भी लग रहा है, तो वो कहता है हाँ, फिर सबने औरों से ही पूछना है क्या सबको लग रहा है, बोले हाँ, अगर ये तीनों है तो ये जांचने का समझने का स्तर ही, समझने का आधार ही, जीना हो तो कैसे जीना हो, ये पाँच है, पाँचों और भेद लगा देना, कोई भी काम करना जिंदगी में, कोई भी काम करना ये पाँच है, पाँचवा और एक कॉपी दे देंगे। पहला क्या है, स्वयं में तृप्ति हो, मान लो मैं दारू पी रहा हूँ, मान लो मैं लड़की किसी से शादी कर रही हूँ, भाई मेरे को अच्छा लग रहा है ये आदमी, मैं शादी करनी है, तो मेरी तृप्ति हो रही है वहाँ, तो मेरी तृप्ति हो रही है ठीक है, मैं तृप्ति उसको भी हो रही है, बोले हाँ उसको भी हो रही है, परिवार में समृद्धि आएगी, बोले यार परिवार में तो नहीं आएगी भाई, परिवार के लोग अगेंस्ट है, फिर प्रकृति में संतुलन का बोले वहाँ भी बात नहीं बन रही। पाँचवा जो है वो सार्वभौम पे सर्वमान्य है, क्या सभी जगह ये मान्य होगा, बोले यार सभी जगह नहीं, तो भाई अगर तीन नहीं मिलते तो मत करिए, मान लो मैं दारू पीता हूँ मेरे को तृप्ति, बोले हाँ बाकी सबको भी तृप्ति, बोले नहीं यार परिवार में समृद्धि आ रही, बोले नहीं प्रकृति में संतुलन, बोले नहीं सार्वभौम पे मान्य नहीं है, तो मत करिए भाई। संसार के सभी कानून आपकी गलतियों के पनिशमेंट के बने हुए हैं, कि अगर अरब में गलती करोगे तो हाथ काटा जाएगा, चोरी करोगे तो, गलत करोगे तो गर्दन काटे जाएंगे, हिंदुस्तान में जेल होगी, कहीं पर फांसी होगी, संसार में सारे कानून गलती की सजा के बने हैं, अच्छाई का कोई भी कानून किसी भी संसार में नहीं बनाया गया ठीक है ना, जो धारा गलती की तो लिखा, तो अच्छा काम करेगा तालीम जाएगा, मिलती नहीं क्योंकि बनता ही नहीं हो, क्लियर हो गया, ये तो सिंपली बात है। आइए आइए पार्सल दे जाओ।